आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोक नर्तक संजय महाजन ने अपनी टीम के साथ नर्मदा अर्चन नृत्य नाटिका की दी विशेष प्रस्तुति। बड़वाहा सुंदर धाम आश्रम में चल रहे 76वें विष्णु महायज्ञ के तहत प्रति सायंकाल धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। शुक्रवार रात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोक नर्तक संजय महाजन ने अपनी टीम के साथ नर्मदा अर्चन नृत्य नाटिका की विशेष प्रस्तुति दी। इसमें अमरकंटक से लेकर खंभात की खाड़ी तक नर्मदा जहां जहां से भी होकर गुजरती है उन क्षेत्रों की धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक झलक इस प्रस्तुति में देखने को मिली। संजय महाजन के निर्देशन में 70 से अधिक कलाकारों ने 1 घंटे तक लगातार नृत्य नाटिका को मंच पर प्रस्तुत किया, जिसे देख न सिर्फ उपस्थित महिला पुरुष श्रद्धालु बल्कि संत महंत भी नर्मदा भक्ति से सराबोर हो गए। आश्रम प्रमुख महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 बालक दास जी महाराज और व्यवस्थापक महंत श्री श्री 108 नारायण दास जी महाराज सहित अन्य संतों ने प्रस्तुति की सराहना की। कार्यक्रम की शुरुआत रात 8 बजे गणेश वंदना के साथ हुई। इस दौरान नृत्य कलाकारों ने मीराबाई के भजन पर राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद नृत्य नाटिका नर्मदा अर्चन का मंचन शुरू हुआ, जिसमें नर्मदा जी के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंग, महत्व, पूजन पद्धति, नर्मदा परिक्रमा के संबंध में नृत्य के माध्यम से कलाकारों ने प्रस्तुत किया। नृत्य नाटिका की सबसे खास बात यह रही कि नर्मदा के उद्गम से लेकर समुद्र में विलीन होने के बीच में जिन जिन प्रमुख क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों, सभ्यता और संस्कृतियों से होकर वे गुजरती है उनका वर्णन भी इस नृत्य नाटिका में किया गया। लगभग 60 मिनट की इस लगातार प्रस्तुति ने उपस्थित जनों को अपने स्थान पर बांधे रखा। कार्यक्रम के अंत में कलाकारों ने पंडाल को अपनी प्रस्तुति से ब्रज धाम बना दिया। राधा कृष्ण के रूप में कलाकारों ने मंच और उपस्थित जनों के साथ ब्रज की फूलों वाली होली खेली। इसके साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ। बड़वाहा से नवरत्न जैन की रिपोर्ट।